non-finite verbs. What are finite verbs? What is the specification or something that makes finite verbs different? How do I identify? Yes, they change themselves. जो finite verbs होती हैं वो किसके हिसाब से बदलती रहती हैं? Subject और yes, time के according. ठीक है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब बिल्कुल ऑपोजिट रहता है फाइनाइट वर्ब के. दे नेवर चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टाइम. और सबसे बेहतरीन बात जो नॉन फाइनाइट वर्ब की है, पहचान की अगर मैं बात करूं, तो दे आर जस्ट लाइक मेन वर्ब्स. देखने में एकदम मेन वर्ब का ही फॉर्म होता है. हेल्पिंग वर्ब कैन नेवर बिकम नॉन फाइनाइट वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब में यू नो द कैटेगरी, इज एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. साथ में मोडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी प्राइमरी वर्ब्स और जिनको आप बी वर्ब्स बोलते हो और मोडल्स, ये कभी भी नॉन फाइनाइट कैटेगरी में नहीं आ सकती है. लेकिन जो मेन वर्ब होती है, एक्चुअली उसी का कोई ना कोई फॉर्मेशन हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह यूज करते हैं. यानी सेंटेंस में देखने में तो लगेगा कि मेन वर्ब है, लेकिन इन रियलिटी मेन वर्ब नहीं होते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, विद एक्सपीरियंस आई हैव कम टू नो दैट हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन फाइनाइट वर्ब. क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या हो जाएगा ना, कि पहचाने नहीं आ पाती ये वर्ब्स. आपको लगता है कि अरे ये तो मेन वर्ब हो सकती है सेंटेंस में, क्योंकि देखने में मेन वर्ब जैसी है ना. तो पहचान कैसे होती है कि मेन वर्ब के साथ हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ मिलता है. ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया राम इज टीचिंग इंग्लिश, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट, थिंग्स आई विल मेक यू राइट डाउन. ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया राम इज टीचिंग इंग्लिश, तो यहां पे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है, तो दिस इज डेफिनेटली मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब इज ए टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब. ठीक है, आप अल्टीमेटली मुझे बता दो कि मेन वर्ब है. क्यों? क्योंकि मुझे इसके साथ क्या दिखाई दे रही है, आपकी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है. ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है इनको पहचानने का, पोजिशन वाइज जो मेन वर्ब आपको लिखी मिलेंगी वो हमेशा किसके बाद लिखी मिलती है, सब्जेक्ट के बाद. ठीक है, दूसरा ये तरीका होता है. और अब इसके अलावा अगर आपको मेन वर्ब की कोई भी पोजीशन नजर आती है सेंटेंस में, तो वो मेन वर्ब डेफिनेट मेन वर्ब नहीं होती एक्चुअली. वो क्या बन जाएगी, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगी. जैसे मान लो मैंने सेंटेंस लिखा आई लव टीचिंग. अब है तो ये वर्ब क्या, आईएनजी वर्ब, दिखने में तो मेन वर्ब है, लेकिन क्या ये मेन वर्ब है? आप दो तरीके से पहचानते, या तो आप पोजीशन से पहचानते कि भाई दिस इज योर सब्जेक्ट और ये हो गई मेन वर्ब, यानी दिस इज नॉट मेन वर्ब. देखने में मेन वर्ब लग सकती है लेकिन मेन वर्ब नहीं होगी. या आप कैसे पहचान सकते थे, हेल्पिंग वर्ब से, या इसके इमीडिएट पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगी होती तो मैं इसको क्या बना देती, मेन वर्ब बना देती. ठीक है, तो जितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, लुक वाइज दे आर जस्ट लाइक मेन वर्ब्स, बट देयर पोजिशन डज नॉट डिफाइन दम. उनका पोजिशन सेटिस्फाई नहीं करेगा मेन वर्ब का. और आपको पोजिशन वाइज पता होनी चाहिए कि मेन वर्ब की पोजिशन क्या होती है. इट इज ऑलवेज आफ्टर अ सब्जेक्ट आइदर, या फिर इनका पोजीशन क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है. क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई आपको? और ये तो हो गई प्रैक्टिकल चीजें जो मतलब आप जिससे पहचानते हो. दीज आर नॉट लाइक गिवन इन एनी बुक. बुक में क्या दिया नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर डायरेक्टली विच आर नाइदर इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्ट नॉर इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम. इनके ऊपर ना तो सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़ता है, ना इनके ऊपर टाइम का फर्क पड़ता है. अब ये था आई लव टीचिंग, मैंने कहा आई लव्ड टीचिंग, मैंने कहा आई विल लव टीचिंग, मैंने कहा ही लव्स टीचिंग. दीज आर फोर सेंटेंसेस. यहां पे कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस आया, टीचिंग पे कोई फर्क पड़ रहा है, सेम ही है. अब मैंने इस टेंस को पास्ट बना दिया, टेंस चेंज हुआ, लेकिन क्या टीचिंग पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ रहा है. अब मैंने यहाँ पे फ्यूचर टेंस लगा दिया, फ्यूचर आने पर भी क्या टीचिंग पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ रहा है. यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने सिंगुलर लिख दिया, आई लिखा तब भी टीचिंग था, सब्जेक्ट सिंगुलर लिख दिया तब भी क्या हुआ, टीचिंग. और अगर मैं ही की जगह पे वी लिख दूं तो वी के साथ भी क्या लगेगा, वी लव टीचिंग. प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी क्या लगेगा, टीचिंग लगेगा. तो क्या टीचिंग के ऊपर सेंटेंस के सब्जेक्ट का या टाइम का कोई फर्क पड़ रहा है? यानी ये क्या होगी, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब. लेकिन मेन वर्ब पर ऐसा नहीं होता ना, मेन वर्ब ऑलवेज चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द आइदर सब्जेक्ट और टाइम. मेन वर्ब पर तो अब यही देख लो, ये थी मेन वर्ब आपकी, प्रेजेंट में लव आया, पास्ट में क्या आ गया, लव्ड आ गया, फ्यूचर में विल लव लगाना पड़ रहा है,
ठीक है, अब सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगा दिया, प्लूरल आएगा तो क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब तो इन्फ्लुएंस होती है टाइम के साथ और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब भले ही दिखने में मेन वर्ब जैसी हो सकती है, बट इट इज नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्ट और टाइम। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, एक देखने में कैसे पहचानते हैं, डेफिनेशन से कैसे पहचानते हैं, दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर influenced, which do not get influenced by subject or time. Which do not get influenced by subject or time, and by looks, they are just similar to, and by looks, they are just similar to main verb. Write down these three or four examples. ये वाला, और इसमें टीचिंग सब में क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब को अगर कैटेगराइज करें तो इट विल बी कैटेगराइज इनटू थ्री कैटेगरीज। इन्फिनिटिव्स, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है। सेकेंड वन इज जेरंड, ing form of main verb will be called gerund. Third one is participle. Participle are also of three kinds, जिसमें सबसे पहले होगा आपका present participle, जो verb के ing form बनते हैं। Second one is past participle, which is third form of verb, and third one is perfect participle, which is having plus थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये होती हैं सारी के सारी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव्स, जेरंड, पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। ऑल ऑफ देम आर द फॉर्मेशन ऑफ समहाउ मेन वर्ब। ठीक है, ये भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रही है, ये आई एन जी फॉर्म यूज कर रही है, दिस इज अगेन यूजिंग आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग प्लस थर्ड। तो मतलब कहीं ना कहीं इनमें मेन वर्ब का एलिमेंट है ही है, बिना मेन वर्ब के नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू आइडेंटिफाई आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब दिस वन, बिकॉज ये हमेशा एरर फाइंडिंग का काम आप तब करते हो जब आपको वर्ब्स पहचाननी आएंगी। अगर वर्ब्स पहचान में ही नहीं आ रही, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, तो कैसे एरर फाइंडिंग हो पाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पहचान कर पाओ कि दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो जेरंड होगा या वो पार्टिसिपल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का लुक क्या है, सेम है, वही आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब जेरंड बन रही है, वही आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। देन हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब इज जेरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, चलो देखो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि एक ही वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के रोल प्ले करता है। हो सकता है वो शब्द देखने में आपको नाउन लग रहा हो, लेकिन वो वर्ड किसका काम कर रहा हो, वर्ब का काम कर रहा हो। देखने में हो सकता है वो वर्ड आपको एडजेक्टिव लग रहा हो, लेकिन काम किसका कर रहा हो, नाउन का काम कर रहा हो, क्योंकि सिमिलैरिटी देखी जाती है ना वर्ड्स की। तो हमें हर एक शब्द की पहचान होना ज़रूरी है कि दिया हुआ वो वर्ड सेंटेंस के अंदर किसका काम कर रहा है, बिकॉज हर एक जैसे ही उस वर्ड का ग्रामर बदलेगा, उसके साथ साथ उस वर्ड के साथ क्या बदल जाएगा, एरर का क्वेश्चन बदल जाता है। बिकॉज हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के या हर एक टॉपिक के अपने अलग तरीके के रूल्स होते हैं, अपने अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मान लो कोई एक वर्ड है, एग्जामिनर ने वो नाउन दे रखा है, तो नाउन के हिसाब से वो रूल लगवाएगा आपसे, लेकिन आपने पहचान कर रखी है उस वर्ड के एडजेक्टिव, आपने क्वेश्चन निकाल दिया एडजेक्टिव का, तो जब वो शब्द एडजेक्टिव था ही नहीं सेंटेंस में, तो एडजेक्टिव का रूल कैसे एप्लीकेबल होगा। इसीलिए शब्दों की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म तीन तरीके से काम करती है इंग्लिश लैंग्वेज में। या तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब हो सकती है,
या तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड हो सकती है, या तो वो क्या हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है। जेरेंड पार्टिसिपल से रिलेटेड क्या रूल्स बनते हैं दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, लेकिन अभी इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही होगी, मुझे बताओ कौन से टॉपिक में कहां पर ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब में जब काम कर रहा है तो गड़बड़ कर देता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करता है ना, क्योंकि आप सोच के देखो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता ही कहां है उस पूरे इंग्लिश में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या कहता था वर्ब के आईएनजी फॉर्म का रूल, देयर आर सम वर्ब्स व्हिच आर कॉल्ड नॉन कंटिन्यूअस वर्ब जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। अब वहां पे अगर तुमने उस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को पहचान लिया क्वेश्चन में जेरेंड, तो जेरेंड का तो आईएनजी फॉर्म होता ही है, पेपर में सही करके आ जाओगे क्वेश्चन, जबकि वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब काम किसका कर रहा था सेंटेंस में, मेन वर्ब का काम कर रहा था, और मेन वर्ब में कुछ वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि जैसे ही तुमने आइडेंटिफाई करा पार्ट ऑफ स्पीच को, वहीं पर एरर समझ में आ जाएगी कि क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेजर दो तरीके से यूज करी जाती है, आइदर इट विल बी यूज्ड एज मेन वर्ब और इट विल बी यूज्ड एज नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब हुआ, और दूसरा या तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेगी, और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी या तो वो क्या बना देगी, जेरेंड बना देगी, या तो इट विल बी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। या तो ये क्या होगी, जेरेंड होगी, या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। अब मेन वर्ब हमको कैसे पता कि दिया हुआ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑफ फॉर्म जो है वो मेन वर्ब में है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी है तो डेफिनेटली ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या बनेगी, आपकी मेन वर्ब बनेगी, और कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने बोल दिया राम इज टीचिंग इंग्लिश, तो टीचिंग में आपसे पूछ लूं क्या पार्ट ऑफ स्पीच में कहा है, तो जैसे ही आपने टीचिंग के आगे इस देखा तो ऑटोमेटिकली यू गेट टू अंडरस्टैंड इट इज मेन वर्ब, और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब अगर मुझे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में ले जाना है, तो दोनों में ही एक चीज जो कॉमन होगी वो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, ठीक है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के आगे हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आइदर इट विल बी जेरेंड और पार्टिसिपल, क्योंकि जेरेंड के आगे भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है कभी भी, और पार्टिसिपल के आगे भी नहीं लगता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट, जेरेंड बनेगी या तो क्या बनेगी, पार्टिसिपल बनेगी, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगी। अब इसके आगे हमें ये देखना है कि कब वर्ब का बेयर आईएनजी, क्या बोलेंगे इसको, बेयर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे हम लोग, बेयर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना लिखी गई हो। तो ये अब आगे कैसे पहचानेंगे कि ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है बेयर, यानी जिसके आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, वो कब जेरेंड होगा, वो कब पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरेंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस। जेरेंड की खास बात क्या होती है, जेरेंड सेंटेंस में कहीं पे भी लगाया जा सकता है। आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में बेयर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो, आप सेंटेंस के मिडल में लगा दो, या सेंटेंस के एंड में लगा दो, लेकिन अगर वो बेयर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ तो इट विल ऑलवेज बी इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, इट कैन नेवर बी यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा इट विल बी ऑलवेज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ये हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड सेकेंड वन इज सीइंग द लायन ही जंप्ड, सीइंग द लायन ही जंप्ड, एंड इफ आई आस्क यू कि ये वाला स्विमिंग में और ये वाला सीइंग में क्या फर्क है, तो दोनों ही आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है और दोनों ही बेयर हैं, हेल्पिंग वर्ब किसी के आगे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बाद में कुछ लगाओ हेल्पिंग वर्ब, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके इमीडिएट पहले नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या तो जेरेंड बन सकते थे या तो पार्टिसिपल बन सकते थे, ठीक है। अब दोनों ही स्टार्टिंग में यूज हो गई, और स्टार्टिंग में तो जेरेंड भी लग सकता है, स्टार्टिंग में तो पार्टिसिपल भी लग सकता है, फिर कैसे डिसाइड करेंगे। अब मान लो मैंने सेंटेंस दे दिया ही वॉज हैप्पी अबाउट माई गेटिंग गुड मार्क्स
इन द एग्जाम. ही वॉज हैप्पी अबाउट माई गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम. और अब मैं पूछ लूँ आपसे कि ये वर्ब का एनजी फॉर्म क्या है, तो बता दोगे? इट वुड बी जेरेंड. देखो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसके आगे, यानी ये मेन वर्ब तो हो नहीं सकता है. या तो जेरेंड हो सकता है, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल हो नहीं सकता बिकॉज पार्टिसिपल सिर्फ स्टार्टिंग में यूज होंगे, तो मिडल में तो कौन ही लग सकते हैं आपके. मिडल में दे कैन ऑलवेज बी जेरेंड, जेरेंड ही हो सकता था. ये बात तो यहां तक तो समझ में आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब स्टार्टिंग में आ जाएगा. बिकॉज जेरेंड स्टार्टिंग में भी लग सकता है, पार्टिसिपल तो लगता ही है स्टार्टिंग में. तब आप कैसे पहचानते हो? देखो जेरेंड विल बी यूज इफ इन द स्टार्टिंग हमेशा सिंगुलर सेंटेंस में मिलेगा आपको, वन लाइनर में. कोई पार्टीशन, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती सेंटेंस में, कोई कंपाउंडिंग नहीं करी जाती है. सिर्फ क्या मिलेगा आपको? सिंगल सेंटेंस में. तो दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है? वन लाइनर या सिंपल सिंपल सेंटेंस. जेरेंड अगर हुआ तो. लेकिन जो अगर पार्टिसिपल सेंटेंस में यूज करा गया है, तो इट विल बी ऑलवेज यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द काइंड ऑफ सेंटेंस विच इज पार्टिशन बाय कॉमा. जिसको पार्टिशन किससे मिला हो? कॉमा से मिला हो. ठीक है, यानी कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस जहां पे जोड़े गए हों, अगर इस तरीके के सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल जाता है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? पार्टिसिपल मिलेगा. अब अगर मैं पूछ लूँ स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ और सीइंग द लाइन ही जंप्ड में से पार्टिसिपल कौन सा है और जेरेंड कौन सा है, बता दोगे? ठीक है, देखो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ इज वन लाइनर सेंटेंस, कोई कॉमा नहीं है, कोई पार्टिशन नहीं, सिंपल है. तो यानी ये क्या होगा? डेफिनेटली इट वुड बी जेरेंड. लेकिन यहाँ पे द सेंटेंस इज डिवाइड बाय कॉमा, यानी दो सब सेंटेंस दिए गए सेंटेंस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल.